फजल ऑफिस, उसी से आए हैं, उसी में सदान कंपनी का पिज्जा जाता है। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अभी हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी पे, देखिए 12:04 हो रहा है AM, तो अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। A few moments later. गाइस फाइनली हो चुका है ड्यूटी खत्म। देखिए 6:12 हो रहा है और अभी जस्ट हम लोग की ड्यूटी हुई है खत्म, इन्वेंटरी। तो अभी बंदे आने वाले हैं, आते हैं फिर सभी लोग साथ में चलेंगे रूम पे। ये वाला बस पहले सुभाष भाई चला रहे थे जो कि अभी चले गए छुट्टी, तो असलम भाई अभी ये चला रहे हैं इस बस को। रूम पे पहुंचेंगे तो इनसे थोड़ी बात करेंगे। अभी तो रास्ते का आप लोगों का नज़ारा दिखाते हुए चलता हूँ मैं। Years later. Finally, अभी हम लोग आ चुके हैं बिला के पास और इधर है ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब का नाम वगैरह पता वगैरह पूछेंगे, इंडिया कहाँ से है ये और क्यों सऊदी आए हैं इतनी उम्र में और कितना दिन और रुकने का इनका प्लानिंग है। तो शुरू करते हैं इनसे पूछना। आपका नाम क्या है बताइए? हमारा नाम है मीर असलम। मीर असलम, क्या सोच करके आए थे आप? सऊदी में आए हैं भाई, मजबूरी में सब आता है। 6 साल हो गया सऊदी में, फिर चले गए थे, फिर 5 साल के बाद फिर आए हुए हैं। इंडिया में क्या करते थे आप? इंडिया में भी गाड़ी चलाते थे। अच्छा, वहाँ जलगांव में वहाँ कंपनी में गाड़ी चलाते थे, वहाँ भी गुरोड़ वाला कंपनी था उसी में गाड़ी चलाते। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप इंडिया कहाँ से है? इंडिया बिहार से है। मोहनिया से है, आज जिला भभुआ है, गांव का नाम जीतापुर है। अच्छा हाँ, तो गाइस मीर असलम भाई जो ड्राइवर हैं, इनसे काफी कुछ हमने पूछा है इनका लाइफ के बारे में, थोड़ा सा और इनसे बातचीत करते हैं इनके बारे में और सारी चीजें जानकारी लेते हैं। और कितना साल आपका रहने का प्लानिंग है? 7 महीना हो गया, 3 साल पूरा कर जाएंगे, पूरा करके। तो क्या नाचो भाई? पूरा 3 साल पूरा करके जाना है। हाँ, जाना है तो फिर अगर से मन करेगा तो आएंगे, चाहे नहीं आएंगे अपना खेती बाड़ी करेंगे, वही अपना घर पर अपना पड़े रहेंगे। तो खेती बाड़ी वगैरह है आपके पास? हाँ, कि नहीं? खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है? हाँ। कितना बीघा है? मुमकिन 5 बीघा खेत है, वो भी सब रखा हुआ है रेहन पर। अच्छा, रेहन पे रख दिया सारे? इसीलिए आए हुए है छुड़ाने के लिए, कि आएंगे तो साल भर 6 महीना में छुड़ा लेंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, घर मकान बनाएंगे, कुछ बना हुआ है कुछ नहीं बना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। किस ऑफिस से आप आए यहाँ पे सऊदी अरबिया? इंडिया में बम्बई में बाइकल्ला में ऑफिस है। अच्छा। फजल ऑफिस, उसी से आए हैं, उसी में सदान कंपनी का पिज्जा जाता है। फजल ऑफिस? हाँ, फजल ऑफिस। अच्छा, तो क्या कुछ पैसे वगैरह क्या, कैसा इंटरव्यू रहा आपका? इंटरव्यू ठीक रहा, पुराने आदमी है लेकिन 125,000 रुपया दे के आए हैं। 125,000 रुपया दे करके आए हैं, बताइए। तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू दिए थे या ऐसा फेस टू फेस? ना, ऑनलाइन दिए थे मोबाइल पर। मोबाइल पे ये इंटरव्यू दिए थे और उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ। 1,00,000 कितना भर के आए? 25,000। 1,25,000 इस टाइम पे भी भर के आ रहे हैं बंदे, बताइए। क्या सैलरी आपकी? लगाया है 1,800 रियाल प्लस खाना, फूड फ्री। 1,800 प्लस फूड फ्री। ओवर टाइम वगैरह? ओवर टाइम जुमा का 300 रियाल देता है। पहले ड्राइवर नहीं था तो ओवर टाइम मिलता था? हाँ, पहले मिलता था। अभी ड्राइवर ज्यादा है इसलिए ओवर टाइम नहीं मिलता है। ओवर टाइम जगह पे इनको छुट्टी मिल जाता है। हाँ। यानी हफ्ते में एक छुट्टी, यानी महीने में 4 छुट्टी। हाँ, महीने में 4। ये है मीर असलम ड्राइवर भाई का स्टोरी, आप लोगों ने देखा इनका जो। अच्छा, ये एक चीज तो मैं भूल गया, आप अपना एज बताइए, आपका एज कितना है? हमारा एज 47 है। 47 साल इनका एज, 47 साल है। 10/7/1974। अच्छा, 10/7/1974, यानी 47 साल। हाँ।
अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, बताइए 47 साल में ये, यानी सऊदी अरब में 6 साल इनको हो गया, 7वां साल चल रहा है, ये इसलिए आए हैं कि इनका कुछ जमीन वगैरह जो है बाने मतलब रेहन पे रखा हुआ है, उसको ये छुड़ाएंगे और उसके बाद यहाँ से चले भी जाएंगे तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि जा करके फिर वो अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। असलम भाई चलते हैं फिर, चलिए रूम में चलते हैं। हाँ ठीक है। मिला ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं आप? ना अभी नहीं किया। चलिए ब्रेकफास्ट करके आते हैं साथ में, ठीक है। अभी हम लोग का सुबह का ब्रेकफास्ट अमीर असलम भाई के साथ में है, और ब्रेकफास्ट क्या है मैं आप लोगों को दिखा दूं। दाल रोटी है कि छोले है? नहीं हाँ वही छोले है, छोले का सब्जी और रोटी है। हम लोग का हो रहा ब्रेकफास्ट और आमिर भाई ड्यूटी जा रहे हैं, और तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करके और यहाँ बैठे हुए जीना के पास। तो आप लोगों ने देखा मीर असलम भाई जो ड्राइवर है, इनका कुछ हिस्ट्री के बारे में, स्टोरी के बारे में, जो कि ये इंडिया में क्या करते थे और ये सऊदी में किस मकसद से आए हैं और कितना साल और रुकेंगे, तो ये वीडियो आप लोग देखिएगा, ब्लॉग तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड, ब्लॉग को पूरा देखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये वाला ब्लॉग आप लोग कैसा लगा, और असलम भाई का ड्राइविंग भी साथ में देखिएगा कैसा है, इनका ड्राइविंग मस्त एकदम जबरदस्त ड्राइविंग करते हैं ये।